हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं वीडियो बड़ी बनाऊं। बहुत सी मेरी व्यूअर्स कह रही हैं कि मैं नहीं भर पा। कारण ये है कि अभी मेरी बेटी की तबीयत खराब है, प्राची की, जिसको आप जानते ही होंगे, और मेरे भाइयों की तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। तो मन मेरा उधर ही पड़ा है, बेटी में, भाइयों में। तो मैं बस वीडियो बना देती हूँ, बाकी कोई प्रॉपरली वीडियो मेरे से नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा मन वहीं पड़ा है और मन दुखी है थोड़ा। जब बेटी बीमार होती है और बाहर होती है तो बिल्कुल दिमाग खराब रहता है। ऐसा लगता है कैसे उसके यहाँ पहुँच जाऊँ और उसको संभाल लूँ, क्योंकि उसके कोई प्रॉपर खाना बनाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसके, तो दामाद जी काम कर रहे हैं, तो उसको दिक्कत आ रही है बहुत। तो इस कारण मेरा थोड़ा सा ऐसा मन हो रहा है। इधर भाइयों की भी तबीयत खराब है तो मन ऐसा हो रहा है। तो मैं बस बना रही हूँ वीडियो, ऐसे ही मन लगाने के लिए बना रही हूँ, बाकी कोई प्रॉपर मैं नहीं कर दे रही हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपको वीडियो पूरी मिलेंगी, 2-3 दिन बाद आपको वीडियो पूरी मिलेंगी। मेरी एक व्यूअर्स नई आई हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, अभी नई आई हैं वो, बिल्कुल वो बोल रही हैं कि मैंने आपका शुरू ही किया है, तो वो गार्डनिंग के बारे में पूछ रही हैं। तो गार्डनिंग का ही वीडियो मैंने आज बना रखा है, लेकिन उनका कमेंट्स पढ़ के मैंने सोचा कि मैं उनको बता दूं थोड़ा, कि उनके यहाँ ना बालकनी है ना छत है, टेरिस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है, अगर आपको शौक है और आप लगाना चाहती हैं, तो आप नर्सरी से ऐसे पौधे लेकर आएं जो इंडोर होते हैं, इंडोर पौधे जो होते हैं, वो आप नर्सरी वाला आपको बता देगा कि ये अंदर लग सकते हैं, छांव में भी लग सकते हैं पौधे, और गमलों के अंदर आप लगा सकती हैं। और कई मकान ऐसे होते हैं जहाँ पर खिड़की पर भी थोड़ी सी धूप आती है, जैसे आपकी किचन की खिड़की है या आपके कमरे की खिड़की है, तो वहाँ पर थोड़ी सी धूप आती हो तो वहाँ आप रख सकती हैं गमलों को, आप शौकिया तौर से अगर लगाना चाहती हैं तो। और बाकी जो आपने रिक्वेस्ट की है किचन को कैसे साफ किया जाए, तो उसकी वीडियो तो मैं बनाने वाली हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मेरी बेटी की भी तबीयत खराब है, भाइयों की भी खराब है, तो मेरी किचन भी मैसी, काफ़ी मैसी हो रही है, मुझे उसे साफ भी करना और आपको टिप्स भी देने। वैसे मैंने अपनी वीडियोस में, आप मेरी वीडियोस निकाल के देखिएगा, और नहीं तो मैं लिंक दे दूंगी, उनमें मैंने काफ़ी आपको किचन साफ के, मतलब कैसे किचन साफ रखी जाए, उसके टिप्स दे रखे हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा। अभी तो आपने ये वीडियो ही देखी है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मेरी वीडियोज देखें आप, वो बड़ी भी हैं वीडियो, और उनमें मैंने काफ़ी टिप्स भी दी हैं। तो आज की वीडियो में तो मैं गार्डनिंग के ही टिप्स दे रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सी अभी वीडियो बना चुकी हूँ और गार्डनिंग का भी इतना मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपनी जो बहनें हैं, मेरी यूट्यूबर्स बहनें, उन्हीं की वीडियो देखकर मैं अपने गार्डन को चलाती हूँ, जैसे भी मेरे से हो सकता है। तो देखिएगा आज की वीडियो, आप पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कोई भी सुझाव आपको मेरे से लेने तो आप जरूर लीजिएगा, और मैं अपनी जो पुरानी वीडियोज हैं उनका लिंक दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर गार्डन देख के आते हैं। सुबह के काम से मैं निवृत्त हो गई हूँ, सुबह जो भी काम मेरे होते हैं वो सब कुछ कर लिए हैं। बहू बना रही है खाना, तो मैं गार्डनिंग करके आती हूँ। तो चलते हैं ऊपर, आप भी चलिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत में, और काफ़ी धूप आ गई है। अभी लगभग कोई 9-9:30 बजे का ही टाइम है, लेकिन धूप इतनी आ चुकी है
तो मैं पहले तो डाल रही हूँ पानी पौधों में, गमलों में सारे मैंने लगा रखे हैं। और जो मेरा एक गुलाब का पौधा मैं लेकर आई थी वो बिल्कुल पीला पड़ गया है। तो मैंने अपनी जो बहनें हैं गार्डनिंग वाली, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, उनके चैनल में देखा था कि वो चाय की पत्ती को डालती हैं सुखाकर, जो चाय हम पीते हैं उस चाय को धोकर सुखाकर वो चाय की पत्ती डालती हैं। तो मैं भी इसमें गुलाब के पौधे में चाय की पत्ती डालूँगी। मैं लेकर आई हूँ नीचे से चाय की पत्ती। पहले मैं इसमें पानी डाल रही हूँ पौधों में, और फिर मैं चाय की पत्ती डाल दूँगी। एक बार देखती हूँ सही होता है या नहीं, क्योंकि अभी वो काफ़ी पीला पड़ चुका है। तो मैं डाल रही हूँ चाय की पत्ती, इसमें डाल रही हूँ जिससे कि देखती हूँ। इसकी डाली हरी पड़ी है अभी तक, इसलिए मैं इसमें चाय की पत्ती डालकर देख रही हूँ। अगर ये सही हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं साथ में, और वो भी यही कह रहे हैं कि गुलाब का पौधा जल चुका है। तो मेरे पौधे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और मैंने गार्डनिंग का एक चैनल देखा जिसमें उन्होंने बताया था कि इनको काट लेना चाहिए क्योंकि इसी में फिर गल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं फिर इनकी कटिंग करके नीचे ले जाऊंगी और इनको सुखा दूंगी। जितने काम में ले सकते हैं उतना ले लें काम में, और फिर इनको सुखा दें। और इनकी जो डालियां हैं उनको भी आप दूसरे गमले में उगा सकती हैं, इनकी डालियां वापस उग जाती हैं। तो मैंने ये पुदीने सारे निकाल लिए ऊपर से कटिंग करके। अच्छा, ग्वार पाठा भी मेरे लगा हुआ है। तो बेटे और बहू अभी सब्जी खरीद के कल आए थे, तो उन्होंने बोला लोग ग्वार पाठे खरीद रहे हैं मम्मी और अपने घर में लगे हुए फिर भी अपन नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं आज इसकी सब्जी बनाऊंगी, इसकी रेसिपी आपको दूंगी। तो मैं ये ग्वार पाठे भी ले जा रही हूँ, मतलब पुदीने और ग्वार पाठे दोनों ही नीचे ले जाऊंगी किचन में, और फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी और पुदीने को सुखा दूंगी। तो यहाँ पर मेरा बेटा कर रहा था अपनी जो क्लिनिक है उसकी सफाई कर रहा था। जो बिस्किट वगैरह हैं उनमें चींटी आ गई थी, तो वो अकेला कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करवा लेती हूँ ये काम। तो एक नया काम मुझे लगा, घर के काम तो हम रोज़ ही करते हैं, झाड़ू पोछे खाना बर्तन सब, लेकिन आज जब मैंने ये नया काम किया तो मुझे बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत कि मैंने उसके साथ काम करवाया। और अकेला कर रहा था क्योंकि नीचे बहू खाना बना रही थी, और उसका मूड हो गया क्योंकि चींटियाँ हो गई थी, तो उसका मूड हो गया इसको साफ़ करने का। और मैं चूँकि ऊपर थी इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी साथ में इसके काम करवा देती हूँ। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्लिनिक की सफाई हमेशा तो वो दोनों ही करते हैं, लेकिन आज मैंने करवाई तो मुझे काफ़ी ज्ञान भी हुआ। कई दवाइयाँ देखी मैंने, कई बिस्किट वगैरह फूड वगैरह देखा, और पूछा भी बेटे से कि ये क्या है ये क्या है। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी जानकारी भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक नया काम करने में। तो कभी कभी इंसान को कोई नया काम भी कर लेना चाहिए, रोज़ डेली के काम से मन भर जाता है और उनमें मन नहीं लगता है, तो कोई नया काम ज़रूर करें आप। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने आज एक नया काम किया और बेटे की हेल्प की, बिल्कुल क्लीन कर दिया हमने उसके क्लिनिक को। और सारा काम हो चुका था, किचन का तो काम हो ही गया था। फिर दोपहर को हमने खाना वाना खा लिया, रेस्ट किया, बहू बेटे भी रेस्ट करने चले गए, और मैं फिर शाम को किचन में आ गई। जो ग्वार पाठी मैं काट कर लाई थी सुबह ऊपर से, उसकी सब्जी बन गई है। उसको दाना में फिर साथ उबाल दिया, चारों तरफ से उसके कांटे काट लिए मैंने, वो केले के ही नहीं कांटे, उसके दाने, और फिर उनके पीस कर लें जैसे सब्जी के पीस करते हैं। और उसके बाद दाना मेथी के साथ इसको उबाल कर और जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे खाऊं। वैसे तो बहू को आती है, आने लगी अभी, ये सब्जी कम बनाई हुई इसने, इसलिए मैं बना रही हूँ अभी। वो थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम है 20 तारीख से, तो सब्जी बना देती हूँ, फिर वो रोटी बना लेती है आके। तो मैं इसे दाना मेथी के साथ ही उबाल लेती हूँ। ये देखिए छोटे पीस कर लिए ग्वार पाठे के चारों तरफ से कांटे हटा के, और ये फिर दाना मेथी के साथ मैंने इसको उबाल दी। तो ये सब्जी बीकानेर में बहुत बनती है और शादियों में बहुत बनती है,
किसी भी बड़े त्योहार में भी कोई। तो इसमें काजू किशमिश और बादाम डालूंगी मैं, और जैसे छौंकते सब्जी वैसे ही छौंक। तो थोड़ा इसमें अमचूर डालते हैं, और मैं तो थोड़ा सा मीठा डाल देती हूँ। वैसे गुड़ डालते हैं, गुड़ नहीं होता है तो मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, तो मैं तो डालूंगी चीनी थोड़ी सी, तो इसका खारापन है ना वो दूर जाएगा। तो तेल आ गया है और राई और डाल दी है मैंने इसमें, जीरा राई डाल दिया, और अब मैं हींग डाल दूंगी। मसाले सारे डाल दिए मैंने, नमक मिर्ची हल्दी धनिया है, और फिर मैं अमचूर डाल दूंगी, और ये भी डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। थोड़ा अमचूर डाल देती हूँ, खटाई डालने से इसकी खारास बिल्कुल मिट जाएगी। थोड़ी सी चीनी डाल दें, अभी बिल्कुल मसाला भुन गया है, और ये सब्जी डाल दूंगी अब मैं इसमें। ये देखिए तैयार है अब ये सब्जी, कलर इतना अच्छा आया है इसमें, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, तो आप जरूर बना के देखिएगा ये सब्जी। तो मेरा काम तो हो गया, बहू बनाएगी रोटियां।